केंद्र और प्रदेश स्तर पर सरकार विभिन्न योजनाएं तो चलाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाता है ये किसी से छिपा नहीं है। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाती कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मंडला से लगे खैरी ग्राम की, जहां अनेकों वर्षों से गरीबी रेखा में निवास कर रहे गरीब तबके के लोगों से आवास तक अब तक नहीं है। वहीं बता दें आपको कि मानसून ने दस्तक दे दी है, बारिश में ये गरीब तबके के लोग कैसे रह रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरी समस्या ये है सर कि इस जहाँ में तो काम धाम कर नहीं सकती हूँ, लड़का पढ़ाई करता है और जिस जहाँ आदमी नहीं है तो मैं करूँ तो क्या करूँ। और आवास के लिए भी जा रहे हूँ पंचायत में खड़ी खड़ी कई बार कि मैंने आवास कर दो आवास कर दो, तो आवास का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कह रहे हैं कि अभी नहीं बाद में बनेगा, अभी नहीं बाद में बनेगा, कह रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं तो चल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, तो मैं कैसे करूँ आप बताओ। कितनी समस्याएं हो रही हैं, दो बच्चों को भी पालना है और फिर इस जगह पे इस जगह में रह रहे हैं, बताओ आप हम कैसे गीला पर रह रहे हैं। हमको आधी रात का डर लगता है कि मैंने सांप शेर मैंने गीला खोला में आ ना जाए, दूसरे घर के कब तक जाएंगे हम सोने के लिए, तो अपने घर में जैसे भी रहेंगे। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग हो गए 35 साल। नाम क्या है? गुड्डी भाई बनवासी। हाँ, हमारा पूरा भाड़ा है लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तीन तीन लड़की है मेरी, अकेले कमाने वाला हूँ मैं, तो कमाऊँगा तो घर बनाऊँगा क्या करूँगा अकेला आदमी। और यहाँ पे पंचायत में वो करने गए थे, क्या कहते हैं, आवास आवेदन देने गए थे, अभी मिल जाएगा अभी मिल जाएगा बोल रहे हैं, मिलते ही नहीं है। तो देख रहे हमारे घर ये पूरा, लड़के बच्चे को कहाँ रखूँगा मैं, है ना, बरसात में पूरा घर चूर रहा है हमारा। और खाने के लिए होता है, कभी नहीं होता। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम गुड्डा बनवासी है। दिक्कतें हो रही हैं, क्या समस्या पूरा बताओ। दिक्कत तो ये है कि ग्राम पंचायत में आवेदन देता हूँ मैं, तो उसका भी कुछ निराकरण नहीं हो रहा है। समस्या तो बहुत है, अंदर जाके देख लीजिए आप, पूरा मियाँ मकान छप्पर पूरा गिरने वाला है। आवेदन दे दे के परेशान हो गया हूँ मैं। RD कॉलेज बर्रा टोला बड़ी खैरी में रहता हूँ मैं, ग्राम पंचायत बड़ी खैरी लगती है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे यहाँ पूरा बताओ। मेरे यहाँ परिवार में कोई नहीं है, माँ भी चली गई, छोटा भाई भी चला गया, अकेले मैं बस बचा हूँ। किस तरह की समस्या हो रही बारिश के समय? बारिश के समय ऐसा है कि पूरा मकान पूरा ढह गया है, पूरा पानी अंदर आता है, सोने के लिए जगह तक नहीं बची है। आवेदन किया आपने, क्या हुआ? आवेदन एक बार सचिव के पास भी किया, ग्राम पंचायत में 2 बार कर दिया हूँ, वो फाइल में दबा देते हैं लेकिन पता नहीं चलता। अगर उसका निराकरण हो जाता तो मैं थोड़ा बहुत सही कर लेता मकान। क्या चाहते हो आप? मैं तो आवास के लिए बोला था, आवास फार्म भर डाल चुका हूँ लेकिन अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है, निराकरण नहीं हो पा रहा है मेरे समस्या का। क्या नाम लिखते? बसंत विशाल सिंह। हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास ना घर है ना कुछ नहीं है, ना कोई देता भी नहीं है, और आवास के लिए हम लोग फॉर्म भी भर आया भी नहीं है। सब चीज़ों की दिक्कत होती है हमको, लेटरिन बाथरूम, यहाँ नल पे पानी भी नहीं आता है पूरा। हम लोग बहुत तो यहाँ से भरते रहते हैं, हम तो और मजदूरी करते हैं, बहन लोग स्कूल जाती हैं तो फिर और पढ़ाई में भी उनको दिक्कत होती है, तो फिर हम स्कूल नहीं जा पाते, कहीं कहीं नहीं जा पाते, पानी भरना पड़ता है हमको कहीं कुछ, तो नल भी आता नहीं है और नल में पानी भी नहीं आता है ढंग से, लेटरिन बाथरूम भी जाते हैं वहाँ दिक्कत होती है हमको, और बना भी हम बहुत मुश्किल से अपने पैसों से बनवाए थोड़ा बहुत, तो उसमें भी दिक्कत होती है, कुछ बनता ही नहीं है अच्छे से, आधा है आधा नहीं है, इस टाइप में से है। और घर है, घर तो अभी हम सुधार रहे थे, वो भी पूरा टपक रहा है अंदर, जाके देख सकते हो आप लोग, बहुत टपक रहा है अंदर पूरा। हम अभी सुधार रहे थे, वही काम कर रहे थे, इसलिए रस्सी वस्सी लेके खड़े थे तो हम सुधार रहे थे। वो मलगा लगा भी लगा है बहुत मेहनत से, वो लगा ही नहीं रहा था, क्या करें, आवास ही भी नहीं मिल रहा है।
बेटा ये बताओ, ये बारिश का समय है और ये लगा के तुम लोग सो रहे हो, बड़ा तो क्या करेंगे, हमारे वो कंबल अंबल सब गीले हैं, आप जाके देख सकते हो, पूरा सत्यानाश हो गया, क्या करेंगे, तो रहना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, तो हम लोग गरीब लोग हैं। हम क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि आवास तो मिले हमको, लेकिन वो भी मिल ही नहीं रहा, कहाँ जाएं हम लोग, कैसे करें, अब कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं मिल रहा तो क्या करें हम लोग। क्या नाम लिखती है? सोना गोटिया। क्या है ये, पहले सर्वे 2011 में सर्वे हुआ था और सर्वे के मुताबिक कार्रवाई हो रही थी और उसमें वो सर्वे भी ख़त्म हो गया, उसके बाद आवास प्लस आया उसी में ऐड हुआ है, और तो आवास प्लस तो भी चल ही रहा है, अभी भी आवास हमारे यहाँ 700-800 अभी बनना शेष है। इसके बाद अभी वर्तमान में इलेक्शन के पहले, विधानसभा के पहले लाड़ली बहना योजना के तहत जो छूटे हुए थे, जो शेष बचे हुए थे, ऐसे आवासहीनों की नाम जोड़े गए हैं उसमें, यह सूची बनी हुई, आवेदन लिया गया है तो उसमें नाम उनका होना चाहिए, क्योंकि मैं लिस्ट देखा नहीं हूँ, लेकिन वो होना चाहिए और वो 23 में उसको लाभान्वित हो जाएगा। लगातार जो पीड़ित पक्ष है वो पंचायत पहुँचता है, सचिव से आवेदन निवेदन भी कर रहा है, लेकिन इतने वर्ष पीछे का वो काम आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या कारण है? अब नहीं भैया, अब उसको तो वो स्थानीय लेवल पर वही जानेंगे, अपन नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना है आज की डेट में कोई नया टारगेट नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जैसे ही नया टारगेट करेगा तो लाभान्वित हो जाएगा वो।